वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी मुंबई से जुड़ गए हैं, अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही रूपा गांगुली भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले राकेश आपका रुख करते हैं, कल ही हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली से सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की थी, उन सवालों के जवाब क्या दिए हैं संजय लीला भंसाली ने, सबसे पहले दर्शकों को वो बताइए। राकेश त्रिवेदी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय लीला भंसाली से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी, क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए और क्या जवाब उनकी ओर से दिए गए? राकेश देखिए, मीमांसा जो कुल मिलाकर कि उनकी जो 4 फिल्में थी उसके आसपास के जो सवाल थे वो बनाए गए थे, लंबी एक लिस्ट बनाई गई थी, तकरीबन 30 से 35 सवाल जो है वो इस 3 घंटे के दौरान संजय लीला भंसाली को पूछे गए, ऐसे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। इन तमाम सवालों के जवाब में संजय लीला भंसाली ने पुलिस को ये बताया है कि उन्होंने खुद ने उन्हें सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म से नहीं निकाला, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमें किसी दूसरे कलाकार को लेना पड़ा। डेट्स अवेलेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ उनके कुछ टाइप थे, वे दूसरे फिल्मों के शूट में बिजी थे। उनमें से एक जो बड़ी फिल्म थी वो थी पानी, जिसका आगे चल के वो फिल्म बन न सकी, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट गया। तो पानी फिल्म की वजह से जो है कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत संजय लीला भंसाली की फिल्म नहीं कर सके और बाद में पानी फिल्म भी नहीं बनी। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत क्या इस वजह से भी परेशान थे? ऐसे कई सारे जो खुलासे हैं वो संजय लीला भंसाली ने अपने बयान में किए हैं और फिलहाल पुलिस अब इस मामले में और आगे तफ्तीश करते हुए एक तो शेखर कपूर उनका बयान दर्ज करने वाली है, दूसरा जो दावे जो फैक्ट्स संजय लीला भंसाली ने पेश किए हैं उनको वेरीफाई करने के लिए बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक से भी पूछताछ आगे हो सकती है। जी। और मीमांसा हमारे साथ रूपा गांगुली भी जुड़ी है, लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। रूपा गांगुली से हम ये सवाल करेंगे, आपने देखा रूपा जी किस तरीके से मुंबई पुलिस एक एक करके फिल्म पर्सनालिटी से पूछताछ कर रही है, लेकिन आपका शुरू से इस पूरे मामले में स्टैंड क्लियर रहा है, आपका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये सुसाइड केस है इसकी सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी ही होनी चाहिए? जी, क्योंकि देखिए एक बात तो साफ सभी जानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हैं जो सीधे तरीके से, वो है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, बिकॉज संविधान के अनुसार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हम लोग सिर्फ तभी सीबीआई के जांच करते जा रहे काम मांग करते जाएंगे, लेकिन कॉल तो लेना है सीएम महाराष्ट्र का। हम सारे जैसे आप मुझे पूछ सकते हैं कि तब आप काम खामखा क्यों मोदी जी को टैग कर रहे हैं, अब अमित भाई साहब को या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्यों टैग कर रहे हैं? मैं उनको, हम लोग सारे लोग उनको जानकारी देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का ये कॉल लेना है और ये कर सकते हैं सिर्फ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में कोई अगर लॉयर अपील करे तो, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉयर्स अपील करे तो। जी रूपा गांगुली जी, लगातार आपका ट्विटर हैंडल हम देख रहे हैं जिसमें आप ट्वीट कर रही हैं सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, आपको क्यों पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है? क्यों आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा हमें, हम सही तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों ये भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस की जाँच? देखिए अभी भी अगर आप जाँच के जो तरीके हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाए जा रहे हैं और मैं ये कहना ज़रूर इस बीच में चाहूँगी कि किसी को बुलाना इन्वेस्टिगेशन के लिए ये उनका सम्मान करना नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुंबई पुलिस के सारे जो तहकीकात चल रहे हैं वो यही दिमाग में रख के चल रहे हैं कि किस तरह से प्रूव करें सुसाइड है, किसी ने उसको दुख दिया इतना कि इसलिए वो सुसाइड कर लिया है, लेकिन इसी बात में तो हम मान नहीं पा रहे, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही इसको सेट करके रखे थे, नैरेटिव सेट हो गया था कि सुसाइड है, तो अभी ये लोग सुसाइड ही प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सच तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप गौर करिए इनकी हर बातों का जो जिनको सवाल कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्यों, किसने उनको दुख पहुंचाया इतना, मतलब आप मेरा इसमें, मेरा अकेला नहीं, जितने सारे बच्चों के साथ हम जुड़े हैं, हम सबका यही एक दुख है कि आप ऐसे डिमोरलाइज कर दोगे पूरे यंग जेनरेशन को कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप सपना नहीं देख सकते हो, आप पढ़े लिखे हो तो आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकते हो, ये ऐसी हालत होगी आपको,
और ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन होने से ही आप सुसाइड कर लेते हो। तो ये किस किस्म की नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं हर दिन, आप तो डिमोरलाइज कर रहे हो। जी रूपा जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त अपने दर्शकों को कुछ की पॉइंट्स बताने जरूरी है मीमांसा इस केस से जुड़े जो हमें अपडेट्स मिले हैं, अपने दर्शकों को पहले एक बार वो बता देते हैं और बातचीत फिर जारी रखेंगे। जी सबसे अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस बिल्डिंग में रहते थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुशांत के घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन सुशांत केस में जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उनके आसपास की सराउंडिंग्स, किसने प्रवेश करने की कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। कल मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली से पूछताछ की थी। साथ ही सुशांत को लेकर चार फिल्म बनाने वाले थे भंसाली, जो जी न्यूज पर हम लगातार बता रहे हैं, और ये चार फिल्में जो संजय लीला भंसाली ने अपने जो सवालों के जवाब में बताया है उनके मुताबिक डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से सुशांत नहीं कर पाए। हम ये नहीं भूल सकते कि ये वो फिल्में थी जो सुशांत के करियर को एक अलग लीग में लाकर खड़ा कर सकती थी। तो ये तमाम सवाल है जो कोई ना कोई एक मन में शक छोड़ जा रहे हैं, और यही वजह है मीमांसा की लगातार लोग सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जी हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी भी जुड़ चुके हैं। अंकुर, लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। हमारे साथ रूपा गांगुली जी भी हैं, जो लगातार ये जो शक है, दरअसल ये सबको हो रहा है, चाहे वो निशिकांत दुबे की ओर से ये सवाल उठाया गया है, साथ ही साथ जो उनके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अभी तक लगभग 27 लोगों से ज्यादा हैं जिनके रिकॉर्ड कर लिए गए हैं स्टेटमेंट्स, और किन से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। खबर यह भी आ रही थी कि जो ओपी सिंह हैं उनके बहनोई, वो भी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में अब शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए कुल मिलाकर आपने जो, मैं अपडेट कर दूं आपको, अभी तक 34 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी तक का मैं आपको अपडेट दे कह रहा हूं, पहला ये। दूसरा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो निर्देशक हैं या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस को शक इस बात का भी है कि ये जो कुछ बड़े ऐसे प्रोड्यूसर या कुछ ऐसे बड़े डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउसेज अपनी जो पीआर मशीनरी का यूज कर सुशांत सिंह राजपूत को कुछ के थ्रू लगातार उनसे जुड़े हुए जो ब्लाइंड न्यूज आइटम्स थे उनको भी डलवा रहे थे, ताकि उनकी पूरी जो इमेज है वो नेगेटिव बन जाए। जैसे वो किसी पार्टी में जाना है, शराब पी के माहौल खराब करना है, किसी से बुरा बर्ताव करना है, या उनकी एक वुमनाइजर जैसी छवि पेश करना, और इसीलिए मुंबई पुलिस बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा एक कुछ पर्टिकुलर पीआर मशीनरी भी है जिनको लेकर अपनी पूरी तहकीकात कर रही है, और इसी सिलसिले में कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। सवाल जहां तक है मुंबई पुलिस का, यही नहीं है, मुंबई पुलिस अपनी तरफ से जो अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट हालांकि उनके पास नहीं आई है, लेकिन दो तरह की रिपोर्ट आनी है। इसके अलावा ट्विटर के भी नोडल ऑफिसर से उनको जवाब चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से किस किस तरह के जो न्यूज थे या उनके द्वारा दिए गए मैसेज थे या तो डिलीट कर दिए गए या नहीं किए गए, उसका पूरा एक ब्यूरो जो है वो भी मुंबई पुलिस यहां पर अपनी तरफ से लेना चाहती है। तो अलग अलग एंगल्स हैं इस पूरी कहानी के अंदर। जैसे मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने बताया आपको कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। शेखर कपूर एक मोस्ट प्रोबेबल नाम है, जो पानी फिल्म बना रहे थे यशराज फिल्म्स को लेकर के साथ मिलकर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को लीड रोल करना था और काफी कन्विंस थे, लेकिन बाद में क्या विवाद हुआ और क्यों ये फिल्म आगे नहीं बन पाई और क्या ये भी एक बड़ी वजह थी। ऐसे तमाम बड़े बड़े यहाँ पर नाम होंगे जो आगे चलकर आपको पूछताछ की लिस्ट में दिखाई देंगे। जी आप बने रहिए हमारे साथ अंकुर। इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह बबलू जुड़ गए हैं, जो सुशांत के चचेरे भाई है। नीरज, जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सबसे पहले तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए मैम, अभी तक हम लोगों को जांच से कुछ रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर जांच का क्या रिपोर्ट आया है। जब तक जांच का सारा कुछ हम लोगों के सामने नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग कैसे बता सकते हम लोग संतुष्ट है कि नहीं। और जिस तरह से जांच को लिंगर किया जा रहा है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अविश्वास तो जरूर पैदा करता है कि मैंने जांच को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, इतना बड़ा कलाकार नहीं रहा है हमारे देश में, तो इसके जांच को अविलंब पूरा करना चाहिए, ये हमारा मानना। जी बबलू जी, ये आपको शक क्यों हो रहा है, मुंबई पुलिस की जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, ऐसा आपको क्यों लगता है? सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन बीत चुका है और अभी तक कुछ क्लियर जांच रिपोर्ट आया नहीं,
तो जब तक जांच रिपोर्ट कुछ पैनल जल्दी से जल्दी नहीं आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक तक हो रहा है कि भाई बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, रोज नए नए लोगों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों से पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ये हो रहा है मन में कि कहीं जाँच प्रभावित ना हो जाए, अच्छे तरीके से जाँच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना लेट हो रहा है होता क्या है कि देर होने से असंतोष बढ़ता है। तो डर इस बात का है कि सबूतों के साथ इस बीच छेड़छाड़ की जा सकती है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कुछ फिल्म स्टार्स कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला हो गया है और इतने करोड़ों उसके फैंस हैं, लाखों फैंस हैं जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर के चैनल पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जांच का निष्कर्ष आए, जल्दी से जल्दी जांच हो और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो देर हो रहा है, हम लोग तो यही देख रहे हैं कि देर हो रही है और देर होने से असंतोष बढ़ता है, तो हम लोग के मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। नीरज, जी न्यूज पर हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, एक बेहद टैलेंटेड स्टार को उसके जाने के बाद इंसाफ मिले। नीरज, हम जानना चाहेंगे कि परिवार का इस पूरे मामले में क्या कहना है, अगर आपकी सुशांत के फादर से बात हुई हो या उनकी सिस्टर्स से बात हुई हो तो परिवार इस वक्त एक इतना बड़ा ये सदमा है कि उस सदमे के बाद क्या परिवार अब कुछ बोल पाया है, क्या घर में बातचीत चल रही है? इसकी सच्चाई क्या? हम लोग सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच्चाई है क्या, और सच्चाई में अगर कुछ आता है तो उस पर कार्रवाई भी हो, ये भी चाहते हैं। जी, हमारे साथ राकेश भी हैं। राकेश, ये कहा जा रहा था कि जो परिवार वाले हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा, उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के पिता से, लेकिन एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी, ये इंश्योर करना चाह रही है पुलिस की क्या परिवार वालों से अभी आधी अधूरी जानकारी दी गई है, हो सकता है कि कुछ और जानकारी दी जाए जिससे कुछ लीड्स मिल पाए, तो ये बातचीत कब की जाएगी, इसको लेकर क्या मुंबई पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से ये जरूर बताया गया मीमांसा की पहले जो खुद परिवार ने भी ये अपनी तरफ से इच्छा बताई थी कि अगर उनका कोई स्टेटमेंट दर्ज किया जाना है तो आप जल्दी से दर्ज कर लीजिए ताकि जो परिवार वाले दूसरे शहरों से मुंबई आए हुए थे वो अपना बयान दर्ज करवा के मुंबई जा सकें। मुंबई पुलिस ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि पहले बाकी जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएँ, उसके बाद में जहाँ कहीं भी कुछ और दूसरी जहाँ पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी या और जानकारी जानने की कोशिश होगी तो एक साथ जो है बाद में उन्हें बुला करके उन तमाम क्लैरिफिकेशन को लिया जा सकता है। ऐसे में यही वजह है कि परिवार से जुड़े हुए कुछ सदस्यों का जो है दोबारा बयान दर्ज किया जा सकता है, वो बयान जो है वो पहले के बयान में एक सप्लीमेंट्री होगा, उसमें कुछ एडिशनल जानकारी को जो इंक्लूड करने के लिए बयान दर्ज किया जा सकता है, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। जी राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, रूपा गांगुली लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। रूपा जी, आपसे पहले भी मेरी बातचीत हुई थी और तब भी आपने कहा था कि ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव है कि एक बाहर से आया लड़का या लड़की जो बहुत टैलेंटेड होता है मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है और अगर उसके साथ कोई भी परेशानी होती है तो कह दिया जाता है कि इसको तो डिप्रेशन था और इसीलिए इसकी जिंदगी का अंत हुआ, अगर हुआ तो। इस बार सुशांत के केस के बाद जिस तरीके से एक बहस छिड़ी है ये बहुत जरूरी थी, इसने बॉलीवुड की नींव को हिला दिया है, आप मानती हैं? देखिए, हम पहला तो एक दिन सभी लोगों ने विश्वास कर लिए थे, पुलिस के बाद विश्वास करने की आदत है हम सबको, विश्वास तो कर लिए थे। जब कंगना ने बात छेड़ी तब हमारे भी ध्यान गया और मैंने सारी चीज को पढ़ने लगी, देखने लगी और मुझे आज इसीलिए शक बढ़ता ही जा रहा है कि सारे एविडेंसेस खत्म हो रहे हैं। अभी ये घर उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगे और इतने देर लगा दी इन लोगों ने सारे जांच करने में, घर का पूरे प्रमाण हाथ से चले जाएंगे एक एक करके, तब जाके क्या प्रमाण करेंगे वो लोग। और मेरा तो एक अजीब सा सवाल, मैं आप लोग पता नहीं कैसे देखेंगे लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अभी पुलिस बता रहे हैं कि उसके सोशल मीडिया हैंडल्स के सारे जानकारी लेंगे, आप मुझे ये बता दो जिस दिन सारे डिवाइसेस उसके ले गए थे पुलिस के पास कहा गया तो पुलिस ज़रूर इसको लेकर एक सरकार के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब के पास चिट्ठी लिखे होंगे कि सारे उनको पासवर्ड दिया जाए, एक्सेस दिया जाए। तो तब कहाँ एक्सेस लेने के बाद, लिया के नहीं पहली बात, लेने के बाद क्या इतना नहीं कर सकते थे कि जो जो एडमिन है उसको, एडमिन को हटाओ, विच आर द डिवाइसेस वेयर द इंस्टाग्राम और द फेसबुक और द ट्विटर इज कनेक्टेड, उसको हटाओ, नो डिवाइसेस शुड बी कनेक्टेड अदर देन द ओनली डिवाइस विच पुलिस हैज। सो पुलिस अपना हाथ भी
मतलब खाली कर लेके सबूत खाली करने में, मैं सीधी भाषा में बोल रही हूँ, पुलिस सबूत खाली करने में जुटे हुए हैं। नहीं तो इतना अकल तो मुझ में है और पुलिस में नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल रूपा जी, बहुत बड़ा आपने ये पॉइंट उठाया है। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, जो बात यहाँ पर रूपा गांगुली जी कह रही हैं कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, अगर एक शख्सियत की मौत हो गई है उसके बाद पुलिस को टेक ओवर करना चाहिए था, ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में भी उस अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट्स या वो किए गए हैं जो रूपा जी बता रही हैं, तो ये तो जरूर एक संदेह पैदा होता है, पुलिस ने क्यों नहीं टेक ओवर किया। और एक और सवाल जो रूपा जी ने पहले उठाया था वो ये था कि जो फोरेंसिक टीम है वो इतनी देरी से वहां पर क्यों पहुंची, अभी तक फोरेंसिक डिटेल्स इस पूरे मामले के सामने नहीं आ पाए। देखिए, हमें दो तरह की फोरेंसिक रिपोर्ट है, एक फोरेंसिक हो रही है वो किसका जो जांच है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, या जिस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी वो एक बात हो रही है। दूसरा, जो जिस कपड़े हरे रंग के कुर्ते से उन्होंने सुसाइड किया, क्या वो उनका वजन ले भी सकता था या नहीं ले सकता था, ये भी इस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट चल रहा है। तो दूसरी बात चलती है, वो चल रही है मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट की, जिसमें मोबाइल को पूरा खंगाला जाएगा, किस किस को मैसेज किए गए हैं, कितनी कितनी अवधि में कितनी कितनी बार किए गए हैं, किस व्यक्ति से कितनी बार क्या क्या बातें की गई हैं, ये जो तमाम है उस मोबाइल से क्या क्या सोशल मीडिया एक्सेस करके क्या क्या किस किस से कम्युनिकेट किया गया है, ये जो तमाम चीजें हैं इनको एक्सेस कर पाना, इनको एक पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलाना, इसमें इस वक्त टाइम लग रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस का अंदाजा ये है कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा होता है। तो वो तमाम चीजें इस वक्त मुंबई पुलिस अपनी तरफ से खंगाल रही है। आपने सोशल मीडिया की जो बात करी है, ऑलरेडी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी नोडल ऑफिसर्स होते हैं या नोडल अधिकारी होते हैं किसी भी एजेंसी के, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो, उन सभी को इस बाबत पूरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कह दिया गया है। मुंबई पुलिस वेट कर रही है कि वो रिपोर्ट एक बार उनके पास आए, तब वो इन चीजों को पब्लिक डोमेन में रखे। तो फिलहाल जो जांच है उनको तथ्यात्मक तौर पर जांचने के इस वक्त मुंबई पुलिस की बात है, उसमें वक्त जरूर लग रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।